न डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर एंड द सोलूशन फ्रॉम द लिंक गिवेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बट फटाफट मैं एक बार जस्ट में जरूर डिस्कस करूंगा टोटल ट्वेंटी कवर हो जाएगा आइए करके क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 बॉय एंड गर्ल्स एक्स एग्रीड

और सबसे बेस्ट पेपर जो मेरे को लगा वो मैं आपके सामने जो है वो रख रहा हूं इस बच्चा ने फ्लॉलेसली आंसर किया है ठीक है और मैं वो उसका पूरा सॉल्यूशन जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप भी जो है उसकी तरह प्रेजेंटेशन सीख सके इसका आंसर अगर आप मेरे को फटाफट शॉर्ट में बताएंगे तो क्या होगा कि बिल्कुल देर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट एक्स एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है क्योंकि रेस्ट्रेनमेंट इन एग्रीमेंट ऑफ सर्विस जो है वो लगाया जा सकता था

क्या वो में आता है नहीं आता सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में लेबर स्ट्राइक नहीं आता लेटर गुप्ता ट्रेडर्स प्रोक्योर द मशीनरी अब गुप्ता को दिक्कत हो गया गुप्ता ट्रेडर्स को दिक्कत हो गया उनको तो मशीनरी मिला नहीं तो उन्होंने बाजार से दूसरा मैन्युफैक्चर से में खरीदा मतलब कितना एक्स्ट्रा दिया 1.25 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ा गुप्ता ट्रेडर वाज़ आल्सो प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट विच इट एडमेड एंड गुप्ता कर सकता है, क्योंकि गुप्ता के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये स्पेशल डेमेज का बात नहीं बताया गया था तो कितना मिलेगा भाई इसको आंसर इज इस 1.25 लाख मिलेगा ठीक है इसका आंसर जो है अगेन जबरदस्त रूप से

तो डैमेजेस को उसने एक्सप्लेन कर दिया लिक्विडेटेड क्या होता है अनलिक्विडेटेड क्या होता है उसके बाद उसने फैक्ट्स एंड एनालिसिस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है तो का फिगर भी निकाल लिया है स्पेशल डैमेज नहीं मिलेगा ये भी लिखा हुआ है क्योंकि कोई शुरू में बात नहीं था स्पेशल डैमेज का ठीक है तो कंक्लूजन है कि वन पॉइंट टू फाइव लैक मिलेगा जबरदस्त रूप से इसने आंसर दिया फाइव मार्क्स का अगर ये होता तो इसको फाइव में फाइव मिलता है इसमें और

कंडीशन का पहले बच्चा ने डेफिनेशन लिखा वारंटी का डेफिनेशन लिखा इंट्रोडक्शन देने के लिए शवाश, शवाश, बिल्कुल सही उसके बाद सेल सैंपल को बच्चा ने बखूबी निभाया है और के साथ अगर सैंपल में कोई डिफेक्ट हो और गुड्स में भी वही सेम डिफेक्ट हो फिर भी बायर को लेना पड़ेगा अगर वो डिफेक्ट रीजनेबल एग्जामिनेशन पर विजिबल था बट अगर हिडन डिफेक्ट था सैंपल में और सेम हिडन डिफेक्ट ओरिजिनल गुड्स में भी है बायर कैन द कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद बच्चा ने इंप्लाइड वारंटी अनबोजेशन नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मैंने पूरा पेपर पहले ही पढ़ रखा है तभी तो मैंने तो मैंने किया, अभी मैं आपको पांच नंबर के आंसर के लिए कितना पेज भरे ऐसा कुछ नहीं है क्वालिटी आंसर लिखो बट कम से कम एक पन्ना तो रहे चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ सेलर का डेफिनेशन पूछा था एंड वेन कैन अनपेड सेलर एक्सरसाइज ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट ठीक है उसके बाद सात आठ नौ दस जो है वो भी सात आठ दस केस है, नौ नौ नौ, ना? ना, देख ना? आइए देखते हैं बच्चा ने क्या आंसर दिया? क्वेश्चन लाइन में लाइन अटेम करना बिल्कुल जरूरी नहीं है पहले आपको जो है वो करिए बट अगर मान लो सब क्वेश्चन है वन का एबीसी तो अब वन बाद में करिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप वन अटेम्प्ट कर लिए तो उसका एबीसी आपको पूरा अटेम्प्ट साथ में करना पड़ेगा अनपेड सेलर बच्चा ने बिल्कुल सही डेफिनेशन लिखा है सेक्शन भी कोट किया है एग्जाम्पल्स भी दिया है तीनों राइट right के बारे में भी, भी समझाया और फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए क्या क्या कंडीशन है वो बच्चा ने लिख दिया है सेलर विद द गुड्स द गुड्स आर इन ट्रांजिट बायर ट्रांट मस्टम इन सोलवेंट अनपेड चार देता हूं मैं इसको एक दो कंडीशन और नहीं लिखा इसलिए क्वेश्चन नंबर सेवन में आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या हुआ था सौदा हो गया था बायर और सेलर के बीच में बायर बोला हम आते हैं और सेलर ने बायर को इन्फॉर्म कर दिया कि आपका गुड्स रेडी है ले जाइए हम नहीं रखेंगे बायर बोला नहीं नहीं आप रखिए एक दिन बाद हम आएंगे सेलर क्या किया

Any damages thereby to the the goods will be borne by the buyer. ठीक है तो ये सात नंबर का आंसर था देखिए बखूबी से सही आंसर लिखा है पहले रिलेटेड provisions लिख दिया है जिसमें ओनरशिप ऑफ गुड्स के बारे में बताया है फिर facts analysis और लास्ट में कंक्लूजन आप समझ रहे हैं ना आंसर कैसे देना है मैं ये पूरा सोल्यूशन भी ये स्टूडेंट का अपलोड कर दूंगा वहां से देख सकेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा मेरा आंसर पड़ा हुआ है इस बच्चा को 5 में 5 डिजर्व करता है आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर एट में आपको पूछा है कि वैलिड है कि वॉइड है ये सब एग्रीमेंट बताओ रिया प्रॉमिसिस ओमना टू लेंड पचास हजार इन ली ऑफ कंसीडरेशन रिया प्रॉमिसिस समर्थ टू लेंड 5 लाख इन ली ऑफ कंसीडरेशन दैट समर्थ गेट्स रियास मैरिज डिसॉल्वड एंड ही हिमसेल्फ मैरीज हर ये सब एग्रीमेंट क्या रहता है पॉलिसी आर्यन अग्रीज विथ मेथ्यू टू सेल इज ब्लैक हॉर्स ठीक है काला घोड़ा बेचा जाएगा दोनों में एग्रीमेंट हुआ लेकिन दोनों को ही नहीं पता था कि घोड़ा मर चुका है इट वॉज मिस्टेक रिलेटेड टू फैक्ट बाईल लेकिन लॉ का रहता तो वैलिड रहता ठीक है फिर देखो बोल रवि ने अपना गुडविल बेचा चालक में और बोला कि भाई आप कभी भी कहीं पर भी धंधा नहीं करेंगे एग्रीमेंट इन रिसेंट ऑफ ट्रेड इज वाइट चले देखते हैं एग्रीमेंट <coughs> हो रहा है कि लीगल प्रोसीडिंग ही हम लोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे ये सब क्या है वॉइड है अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है एंड वॉइड आइए देखते हैं बच्चा ने ये चारों को वॉइड किया है क्या कहीं टेम्प तो नहीं हो गया कि नहीं चलो एक तो वैलिड कर दें तुक्का भी लगाते थे बच्चे ऐसा

उजर इंस्पेक्शन सोहन पेड ट्वेंटी

अब हम CS का जो है वो एनसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा स्टूडेंट है जिसका अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है लाइव बैच का और अभी हम लोग का रिवीजन टेस्ट चल रहा है तो इस बच्चा ने अपना पेपर सबमिट किया था और बोला था रिक्वेस्ट किया था चेक करने ये 49 out of 50 वेल well डन चलो अब अपने सीएस का कर डिस्कस करते हैं दोस्तों एमसी बने रही है सीएस का एमसी के लिए आइए फिर भी कौ चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से आई बी वेरी वेरी फास्ट फॉरवर्ड चेक करते रहिए 50 एमसीक्यूज है विद इन 10 मिनट्स विल बी कंप्लीटिंग इट क्वेश्चन नंबर वन इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अग्री पार्टी के पास क्या-क्या ऑप्शन क्या, रहता है रेसेशन का डैमेज का स्पेसिफिक ऑल ऑफ दीस का आंसर इज ऑल ऑफ दीस का ऑल ऑफ दीस

ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी फिर चिट्ठी चिट्ठी लेटर बाई पोस्ट देखो भाई क्या बोला है पच्चीस दिसंबर को लेटर ऑपन लेटर दिया गया कि मैं आपको घर बेचूंगा दस लाख में ऑफर स्टार्ट कब होगा वैन इट रीच बी सत्ताईस नंबर को ऑफर स्टार्ट होगा ऑफर स्टार्ट सत्ताईस को एक्सेप्टेंस उसने अट्ठाईस को किया मैं हूं ए मेरे पास पहुंचा तीस को अब देखो क्या पूछा है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब होगा सत्ताईस को कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट ए मतलब ए बाउंड हो गया ए अब कुछ नहीं कर सकता अट्ठाईस को अच्छा ये अट्ठाईस लिखा हुआ ये आगे पढ़ते हैं

A can revoke his offer before he receives a letter of acceptance, no, before he posts the acceptance. A cannot revoke his offer as he becomes bound by acceptance on 20th March, absolutely. In the above question, B can revoke his acceptance at any time till letter reaches A, absolutely. Indian contract 1872, lollipop question, tha ye. when a proposal is, a proposal once accepted becomes a promise.

जो अनसाउंड है बट कभी कभी साउंड होता है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है हाँ कब जब केवल वो साउंड रहता है बारिश होगा कि नहीं होगा रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड वॉइड है बिल्कुल पार्शल वैलिड रहता है आपको जनरल जनरल देना वॉय है दे कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बच्चा भी तो सकता है किस में आता है मार धड़ करने का एग्रीमेंट वॉइड है फॉल्स पूछा है तो रियल तो होना ही चाहिए मस्ट बी एडिक्वेट नहीं मे बी एडिक्वेट एडिक्वेस इज नॉट कंडीशन ऑफ कंसीडरेशन प्रपोजल एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स वर्ड से भी हो सकता है राइटिंग से भी हो सकता है आइदर वर्ड और रिटन बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ ईमोरल अपोज नॉन ऑफ दिस ठीक है ना ऑन बस दस टू तो और दस ग्यारह टू ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर बाई ऑफरी कौन लीगली बाउंड हो जाता है जब एक्सेप्टेंस कर लिया है ऑफरी तब लीगली बाउंड तो दोनों ही हो जाएंगे ना इनकरेक्ट को ढूंढना है भाई इनकरेक्ट को विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट आई ढूंढते हैं इनकरेक्ट को गलत चीज को ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज डन एट द मोमेंट ऑफ सेल बट डेफर्ट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल बिल्कुल ठीक है सेल एग्जीक्यूटरी है ना ये तो गलत है सेल तो एग्जीक्यूटेड है एग्रीमेंट टू सेल इज एग्जीक्यूटरी गुड्स के अंदर एग्जिस्टिंग फ्यूचर कंटिंजेंट सभी आते हैं एक्शनेबल क्लेम नहीं आते तो ऑप्शन है सी अगर प्राइस थर्ड पार्टी फिक्स नहीं कर सका तो वॉइड हो जाएगा मर्चेंटेबल मतलब विच इज एक्सेप्टेबल बाय रैशनल ऑर्डिनरी मैन गलत चीज को यहाँ पर ढूंढना है आई ढूंढते हैं गलत चीज को। गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन बट नॉट आइडेंटिफाइड ये तो सही है प्रॉपर्टीन गुड्स ये तो गलत है इमीडिएटली पास थोड़ी ना होता है ओनली इन एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स नेमो डेट कॉर्ड नॉन मतलब नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज इसमें से कौन सा डिलीवरी का रूल नहीं है ये वाला बायर क्लेम्स डिलीवरी नहीं ये तो है बिल्कुल सही है ये तो है भाई डिलीवरी हैज इफेक्ट बायर के पास पोजीशन सेलर डिलीवर सब सही है नहीं है। बायर है माल करना। तो मतलब समझ आ रहा है दोनों होना जरूरी नहीं है इस केस में माना जा सकता है इसके करेक्ट ऑप्शन है डी राइट ऑफ रीसेल कब मिलता है पेरिशेबल <clears> हो <throat> या फिर राइट इज रिजर्वली हाँ एफ का फुल फॉर्म होता है फ्री ऑन बोर्ड इसका मतलब क्या होता है फ्री ऑन बोर्ड का ये फ्री ऑन बोर्ड वो एरिया है जहां तक सेलर रिस्पॉन्सिबल है माल डिलीवर करने के लिए ठीक है तो जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना तो हम लोग बोल देते हैं भाई डॉक पर हम लोग माल एक पर्टिकुलर डॉक को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और यहां तक सेलर का जिम्मेदारी है सेलर उस डॉक तक पहुंचा दिया तो वो अपने ऑब्लिगेशन से फ्री हो गया तो इसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड ओके सो ये था हम लोग अकाउंट का टेस्ट पहले हो चुका है और लॉ का ये टेस्ट था और कल जो रहेगा आपका फुल फ्लेजेड लॉ का और सारे तरीके से रिविजन टेस्ट सीरीज लाते रहूंगा इंटर वाले बच्चों का तो जोर शोर से चल रहा है इंटर वाले बच्चों लगभग लगभग भारी मात्रा में मोर देन टू थाउजेंड स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द इंटर टेस्ट एक्सपेक्टेड इंडिया के फाउंडेशन बच्चे भी इसका मजा उठाए Stay safe, but keep on studying. Love you guys. Take care. Bye.